यह कार्यक्रम भारतीय फंतासी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। समाज को पीड़ित करने वाली सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को ये नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। साथ लेकर सुनिए जी, नहीं लग रहा अंश का फोन, अभी भी नॉट रिचेबल आ रहा है। हे भगवान, कहीं अंश भी किसी मुसीबत में ना हो, फिर से ट्राई करिए ना। हाँ कर रहा हूं। फायदेश्वरी, जिसने भी तुम्हारी ऐसी हालत की है ना जी, कसम है हमको तुम्हारी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। भैया कहाँ जा रहे हैं? अविनाश, उस डायन ने अपनी सारी हदें पार कर दी है, मैं उसे नहीं छोड़। भैया भैया प्लीज रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? ठंडे दिमाग से सोचिए, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते भैया। तो क्या करूं अविनाश, मैं वैद्यश्री को ऐसे नहीं देख सकता। भाई साहब क्यों चिंता करते हैं, अंश गया है ना दैविक को लेने, जहाँ इतना इंतजार किया है, आप थोड़ी देर और रुक जाइए। कैसे रुक जाओ चैताली? चैताली हम सोच भी नहीं सकते इस वक्त हम महसूस कर रही होगी। गंगा जल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मोहना। खबरदार, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी वैद्यश्री को ठीक कर, नहीं तो इस गंगा जल से ना तुझे जला दूंगा। ठीक कर मेरी वैद्यश्री को। भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? भैया प्लीज संभालिए अपने आप को, कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे बाद में पछताना पड़े। भाई साहब कम से कम वैद्यश्री भाभी के बारे में तो सोचिए। चैताली, वैद्यश्री के बारे में सोच रहा हूँ इसलिए ये कदम उठा रहा हूँ मैं। मेरी वैद्यश्री को ठीक करेगी या जलेगी? अगर मेरे ऊपर गंगा जल की एक भी बूंद गिरी तो
तो तुम सबकी अस्थियां गंगा में बहाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी ना। क्या हुआ जेठ जी, निशाना चूक गया? लेकिन अब मेरा निशाना नहीं चूकेगा। भाभी, इतने सारे लोगों के सामने मैं पिया को ऐसे नहीं ले जा सकता। भाभी को छोड़ दो, छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हारे वेदश्री भाभी के टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मत करो ऐसा, मत करो मेरी भाभी के साथ। देखो मोना, भैया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। भाभी की ऐसी हालत देखकर भैया अपना आपा खो बैठे और हो गई गलती। भाभी को कुछ मत करना मोना। तुम लोग क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए जिसने गलती की थी। हाँ, मैं मांगता हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी वैद्यश्री को बख्श दो, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वैद्यश्री को बख्श दो मौना। वैद्यश्री को छोड़ दो मोना, मैं अपनी गलती मानता हूँ। बख्श तो मेरी वैद्यश्री को, बख्श तो मैं अपनी गलती मानता हूँ। छोड़ दूँ? ठीक है, छोड़ देती हूँ।